नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम लव स्टोनिया और ये मूवी आपको किस ओटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लव स्टोनिया 2018 भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो जबतेज दरुणानी द्वारा लिखित और निर्देशित है और बुमाक्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में रिया सिबोरिया, फ्रेडी चोड्डा, मूड़ी मनोज वाजपेयी, रिया चड्डा, अनुपम खेर, अनिल हुसैन, राजकुमार राव और साई सत्यवान के साथ मकुंद मंगल ठाकुर मुख्य भूमिका में है। लव स्टोनिया का लव प्रीमियर 21 जून 2018 को लंदन में फिल्म के साथ फेस्टिवल हुआ। यह फिल्म भारत में 14 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म दो बहनों की कहानी जिनका समयोचित छीन ली जाती है जब एक को उसके कर्ज के डूबे पिता के पीछे दिया है और दूसरे को बचाने की उम्मीद में उसके पीछे चलती है, लेकिन मैक्स में फंस जाती है। युद्ध बढ़कर एक परेशानी भरी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के दौरान जो हमें मुंबई के रेड लाइफ जेलों के होकर गुजरती है, छोटी बहन में छिपी महसूसियत के अपनी बहन और अंततः खुद को बचाने का एहसास साहस बरकरार रखता है। प्रीति और सोनिया कर्ज में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं, गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है। बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाला ठाकुर का रिची है, अपना ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के स्वामित्व वाले एक विद्यालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विद्यालय में बेच देती है। विद्यालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और धदमे में है। एक वो विषय रश्मि उससे दोस्ती करता, विषय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति होते से मिलता है, दो अहमत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल पेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठीपुरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाकों में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ किशोरी के बचाने के लिए फैजल के विद्यालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति के एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी कंडक्टर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति पूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी कलाई काट कर आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगलिए भाग जाते हैं। गुरुदान से खाना घटी कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ सहसर में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है, उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबावों के लत के कारण के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृहों में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया ना उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेजती है, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगी। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसस तीन के लॉस एंजलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बबरेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना के सुनाने के लॉस एंजलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो
उसके लिए वो कुमकर लागत एवं लाइफ कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे व्यसनवृत्ति घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी के दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइफ लक्ष्यों के बीमार पर है। विषयों के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के शब्द थकते हैं लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं की बहुलता के अपहिपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा की सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका की कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का शब्द शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कब मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत उपन्यास के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद अधिक के अग्निर्त रूप में प्यार की तुलना आम तौर पर संकेत से की जाती है। सेमांटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के कबाड़ जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है। कवाली को बचाता है, कुसुमा को जीवित है और पुचुचंडी के एक फ्रांसीसी परिवार के साथ रह रही है। कवाली योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबरलावा टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि जीत कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बहरमी से ठुकरे गए एक गव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित डॉन एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता है। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और धुंधु भड़काता है जहां ये योगी और कुमार टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना आ जाता हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह में पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाए गए हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्म करने योजना बनाई थी और विशेष रूप से वेलकम और टूर यॉर्क निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था जबकि अगली बार फिल्म अनवंद के दिखाई देंगी जिसे अबीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को क्राउन ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा की थी। मेहद के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मवाई धिवाई दिखाई जाते हैं मुख्य भूमिका में। फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली जिनकी अगली हिंदी फिल्म अदिति 2020 की रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार की आगे की 2022 की उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टी मीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के रमड़े में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह संरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापट्टनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदु से होती है जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के हाथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते पासपोर्ट तैयार करते रवि मधु से दोस्ती करता है और दोनों के एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है लेकिन वो ठीक हो जाता है जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहता है जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात
मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसकी भजन उसके बहन राजी अखरण कर लिया है और वो उसे राजा मुनिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश की एक कॉल बताया था, मैं उसे फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मुनिकम ने उसके लिए पलटने के राजा मुनिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मुनिकम के रजुलू के योजना के बारे पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुस्वाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत ईमेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाला ठाकुर का रिचि है, अपना ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेशा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के समित वाले एक विश्वालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विश्वालय में बेच देती है। विश्वालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और में है एक वो विश्वरश्मि उससे दोस्ती करता। विश्वालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है, दो अहमत हो जाता और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेब दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठी पूरा का पता चलताती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाके में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ो उर्वश की छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विश्वालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी जनरेटर का हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति विवाहपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंततः सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है। और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी लाइफ कार्ड का आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरदान से खाना लगाते ही कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है और उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उस आश्रम में जन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबावों के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृह में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया ना उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेज दिया, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगे। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसा तीन के लॉस एंजलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बबरेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना की सुनानी है लॉस एंजलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकुम लागत एवं लाइव कॉर्पोरेशन के फी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसमृति घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी के दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के शब्द थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं
की बहुलता के अपय पे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा की सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका की कृति के या संसार के प्रेम का विषय के लेखन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का शब्द शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कम मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद अधिक के अग्निता रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेत से की जाती है। रोमांटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के गवाह जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है। जोनी कवाली को बचाता है। कुसुमा को जीवित है और पुचू चंडी के एक फ्रांसीसी परिवार के साथ रह रही है। पवारी योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबरलावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि दौरा जीत कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बहरमी से ठुकरे हुए एक गव के लिए मारा जाता है। मृत्युता शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित डॉन एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता है। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और धुंधू भड़काता है, जहां ये योगी और कुमोशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना जाता हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह में पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्मकरण योजना बनाई थी और विशेष रूप से दोस्त वेलकम और टूरियर के निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंत के दिखाई देंगी जिसे अबीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा 2020 के सोनी लिप की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्क्राउंड ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा कही थी। मेहद ऐसा के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मोहई दिवाई दिखाए जाते हैं। मुख्य भूमिका में फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जिनकी अगली हिंदी फिल्म नरिति 2020 की रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार की आगे की 2022 की उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टी मीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह आरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापट्टनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त DIG सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदू से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते, रवि मधु से दोस्ती करते और दोनों के एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहते हैं जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसकी वजन उसके बहन राजी अखरण कर लिया है और वो उसे राजा मुनिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश की एक कॉल बताया था, मैं उसे सक्रिय फोन बम था, लेकिन DIG सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मुनिकम ने उसके लिए पलने के राजा मुनिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मुनिकम के रजजुलू के योजना के बारे में पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुसवाद के बदल
दिया था जैसे उन्होंने जला दिया था, ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाला ठाकुर का रिची है, अपना ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेशा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के समित्व वाले एक विश्वालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विश्वालय में बेच देती है। विश्वालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और धदमे में है। एक वो रश्मि उससे दोस्ती करता, विश्वालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है, दो हिम्मत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठी पूरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाकों में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। वो सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ा उर्वश की छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विश्वालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी कंडक्टर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति विवाहपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी कलाई काट कर आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरुदान से खाना लगाती की कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है, उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबाव के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृहों में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उसे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया न उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेज दिया, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगे। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर रश्मि के फिडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसास तीन के लॉस एंजेलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद अवरेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना की सुनानी के लॉस एंजेलिस में तस्करी पर केंद्रित तो हो जाती है और वो उसके लिए वो मुगलागत एवं लाइफ कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसब्री घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी के दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइफ लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के संबंध थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं के बतुलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा की सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के प्रहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का विशिष्ट शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कम मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति के तौर पर नफरत के साथ तुलना की जाती है
उसके बाद अथी के अग्निर्त रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेश की जाती है। जेमेंटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। टिली के गुंडों के कबाड़, जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है। जोनी कवाली को बचाता है, कुसुमा को जीवित है और पुचुचंडी के एक फ्रांसीसी परिवार के साथ रह रही है। पवारी योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबरलावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि दौरा जीते कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बहरमी से ठुकरे हुए एक गव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है, उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित है डॉन एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और झुंडू भड़काता है, जहां ये योगी और कुमोशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली उदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना आ जाता, हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाए गए हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्म करने की योजना बनाई थी और विशेष रूप से वेलकम और टूरियर के निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंत के दिखाई देंगी जिसे अबीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा मिशन 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्क्राउन ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा की थी। मेहद ऐसा के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मवाई धिवाई दिखाई जाते हैं मुख्य भूमिका में। फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जन की अगली हिंदी फिल्म नरित के रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार के आगे की 2022 की उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए अधिष्ठित हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टीमीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह संरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापत्तनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदु से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते, रवि मधु से दोस्ती करता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहता है जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसकी वजन उसके बहन राजी अखरण कर लिया है और वो उसे राजा मुनिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश के एक कॉल बताया था, मैं उसे फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकक्कम ने उसके लिए पलटने के राजा मणिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकम के रजुलू के योजना के मारे पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुस्वाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए, में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के स्वामित्व वाले एक विश्वविद्यालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय में बेच देती है। विश्वविद्यालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उसमे में है एक वो विश्वविद्यालय रश्मि उससे दोस्ती करता। विश्वविद्यालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है दो अहमत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठीपुरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाके में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ उर्वश किशोरी के बचाने के लिए फैजल के विश्वविद्यालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति के एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी जनरेटर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति अंतपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी कलाई काट कर आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरुदान से खाना घटी कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिला साथ में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है, उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबावों के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृहों में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उसे बात करने के लिए कोशिश करता है लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया न उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेजती है, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगे। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसल्स तीन के लॉस एंजेलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद अवरेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना के सुनानी लॉस एंजेलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकलागत एवं लाइव कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसमृति घृणा करती है जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी को दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के शब्द थकते हैं लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं के बतुलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा के सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भाशय की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का विशेष शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कम मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत सस्टोपनिस के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद अधिक के अग्निर्त रूप में प्यार की तुलना आम तौर पर संकेत से की जाती है। जेमेंटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के कवाली जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है और उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है, कुसुमा को जीवित है और पुचूचंडी के एक फंसासी परिवार के साथ रह रही है। कवाली योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहाँ कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुंवर लावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि जीते कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बेहरमी से ठुकरे गए एक गव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है, उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित डॉन एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता है। उसके बाद कवाली वीरा को मार देता है और धुंधु भड़काता है, जहां ये योगी और कुमोशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना आ जाता, हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह में पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्मकरण योजना बनाई थी और विशेष रूप से वेलकम और टूर यॉर्क निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंद के दिखाई देंगे जिसे वीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्क्राउंड ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा कही थी। मेहद के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मोहई धिवाई दिखाई जाते हैं। मुख्य भूमिका में फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जिनकी अगली हिंदी फिल्म अदिति 2020 के रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार के आगे की 2022 के उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टी मीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते हैं और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह संरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापट्टनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदु से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते, रवि मधु से दोस्ती करते और दोनों के एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहता है जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसके बहन राजी अपहरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश की एक कॉल बताया था, मैं उसे फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकम ने उसके लिए पलटने के राजा मणिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकम के रजलू के योजना के बारे पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुस्वाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के स्वामित्व वाले एक विद्यालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विद्यालय में बेच देती है। विद्यालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उस धंधे में है। एक वो रश्मि उससे दोस्ती करता विद्यालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है, दो हिम्मत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेचा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठी पूरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाकों में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ की छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विद्यालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बास पति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी कंडक्टर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति विवाहपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंततः सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है। और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी कलाई काट कर आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरुदान से खाना घटने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमान ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया का अंतत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमान और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है और उसे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रम में रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबाव के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृह में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया न उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेज दिया है, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगे। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसा सोयतीन के लॉस एंजलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बबरेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना के सुनाने के लॉस एंजलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकलागत एवं लाइव कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसमृति घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी के दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के संबंध थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएं भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं के बतूलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा की सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवासी की भाषा घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का विशिष्ट शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कम मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद ठीक के अग्नि के रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेत से की जाती है। जमेंटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के कबाल जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है कुसुमा को जीवित है और पुचू चंडी के एक फंसासी परिवार के साथ रह रही है। प्रभारी योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबरलावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि द्वारा युद्ध कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बेहरमी से ठुकरे गए एक गव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित डॉन एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और धुंधू भड़काता है, जहां ये योगी और कुमोशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना जाता हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह में पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाए गए हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्मकरण योजना बनाई थी और विशेष रूप से वेलकम और टूरियर का निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंत के दिखाई देंगी जिसे अबीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा मिशन 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्क्राउन ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा कही थी। मेहद ऐसा के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मोहई धिवाई दिखाई जाते हैं। मुख्य भूमिका में फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जिनकी अगली हिंदी फिल्म नरिथु 2020 की रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार की आगे की 2022 की उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टीमीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह आरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापत्तनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदू से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते। रवि मधु से दोस्ती करता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहते हैं जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसकी वजन उसके बहन राजी अखरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश की एक कॉल बताया था, उसका फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकम ने उसके लिए पलने के राजा मणिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकम के राजा जुलू के योजना के बारे में पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुसवाद के दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं, गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है। बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाकुर का रिची है अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के स्वामित्व वाले एक विश्वालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विश्वालय में बेच देती है। विश्वालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उस धदमे में है। एक वो विश्वाश्मी उससे दोस्ती करता विश्वालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है, दो हिम्मत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठी पूरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाके में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ा उसकी छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विश्वालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी कंडक्टर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति पूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी कलाई काट कर आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरेदान से खाना रहती कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है, उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबावों के लत के कारण के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृहों में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आती है, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देता है। उसके पिता उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया न उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेज दिया, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगी। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीश्मी के फ्रीडा अंजलि के रूप में एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसल्स तीन के लॉस एंजलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बबरेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना की सुनानी लॉस एंजलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकलागत एवं लाइव कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसब्री घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी के दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के शब्द थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणा की बतुलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा की सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का शब्द शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कब मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति के तौर पर नफरत के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद ठीक के अग्निता रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेत से की जाती है। सिमेंटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के कवाल जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है, कुसुमा को जीवित है और पुजू चंडी के एक फंसासी परिवार के साथ रह रही है। कवाली योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबर लावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि जीत कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बहरमी से ठुकरे हुए एक गव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित है एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और धुंधु भड़काता है, जहां ये योगी और कुमाशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना आ जाता। हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाए गए हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्मकरण योजना बनाई थी और विशेष रूप से दर्शक वेलकम और टूरियर के निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंद के दिखाई देंगी जिसे अबीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा मिशन 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को क्राउन ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा की थी। मेहद ऐसा के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मुंबई धीवाई दिखाई जाते हैं। मुख्य भूमिका में फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि अगली हिंदी फिल्म नरिथी 2020 की रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार की आगे की 2022 को उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टीमीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह संरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापत्तनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदु से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के हाथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते, रवि मधु से दोस्ती करता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहता है जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसकी भजन उसके बहन राजी अखरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकम की हत्या के लिए भंसाया गया है। और जब उसने राजनेश के एक कॉल बताया था, मैं उसे फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकम ने उसके लिए पलने के राजा मणिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकम के रजुलू के योजना के मारे पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुसवाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाला ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के समेत वाले एक विश्वविद्यालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय में बेच देती है। विश्वविद्यालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उस धदमे में है। एक वो विश्वविद्यालय उससे दोस्ती करता विश्वविद्यालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है दो हिम्मत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठीपुरा का पता चलाती है उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाके में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ और वो उसकी छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विश्वविद्यालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी जनरेटर का हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति विवाहपूर्ण थी स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्त साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी लाइफ कार्ड का आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरुदान से खाना रहते ही कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ सहर्ष में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है और उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबावों के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृह में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उससे बात करने के लिए कोशिश करता है लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया ना उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेजती है। उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगे। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर के फ्रीडा अंजलि के रूप में एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसा तीन के लॉस एंजलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बबरेज रानी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना के सुनाने के लॉस एंजलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकलागत एवं लाइव कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसमृति घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी के दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के शब्द थकते हैं लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं बतुलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा की सांस्कृति अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का शब्द शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कम मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद अधिक के अग्निर्थ रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेत की जाती है। जमांटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के कबाल जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है। कुसुमा को जीवित है और पुजू चंडी के एक फंसासी परिवार के साथ रह रही है। पवारी योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबरलावा टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि द्वारा जीते कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बेहरमी से ठुकरे हुए एक गव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित डॉन एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंडों को 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता है। उसके बाद कवाली वीरा को मार देता है और धुंधू भड़काता है, जहां ये योगी और कुमोशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना जाता हालांकि तब तक जाता है जिसमें ये समारोह में पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्मकरण योजना बनाई थी और विशेष रूप से दोस्त वेलकम और टूरियर का निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंद के दिखाई देंगी जिसे अबीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा मिशन 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्क्राउंड ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा की थी। मेहद ऐसा के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मुंबई दिवाई दिखाई जाते हैं। मुख्य भूमिका में फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जिनकी अगली हिंदी फिल्म अदिति 2020 के रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार के आगे की 2022 के उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टीमीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते हैं और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह संरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापट्टनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदू से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते। रवि मधु से सोचती करता है और दोनों के एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहता है जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसके बहन राजी अपहरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश की एक कॉल बताया था, मैं उसे सक्रिय फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकम ने उसके लिए पलटने के राजा मणिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकम के राजाजुलू के योजना के बारे में पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुसवाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के समित वाले एक विश्वालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विश्वालय में बेच देती है। विश्वालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उस धदमे में है। एक वो विश्वरश्मि उससे दोस्ती करता विश्वालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है, दो हिम्मत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेचा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठी पूरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाते हैं। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाकों में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ उर्वश की छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विश्वालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी जनरेटर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति प्रभावपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी कलाई काट कर आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरुदान से खाना लगाती की कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहम सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमान ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमान और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है, उसे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबाव के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृहों में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उसे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया ना उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेज दिया है, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगे। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसा 3 के लॉस एंजेलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बब्रेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना की सुनाने के लॉस एंजेलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकलागत एवं लाइफ कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसमृति घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी के दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइफ लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के संबंध थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं के बतुलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा के सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवंशी की भाषा घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का विशिष्ट शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कम मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद ठीक के अग्निर्त रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेत से की जाती है। जमानटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। ठीक के गुंडों के कवाल जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है कुसुमा को जीवित है और पुचुचंडी के एक फंसासी परिवार के साथ रह रही है। कवाली योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुंवर लावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि द्वारा जीत कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बहरमी से ठुकरे हुए एक गव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और झुंडू भड़काता है, जहां ये योगी और कुमोशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह न आ जाता है। हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह में पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाए गए हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्मकरण योजना बनाई थी और विशेष रूप से दोस्त वेलकम और टूरियर के निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंत के दिखाई देंगी जिसे वीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा मिशन 2020 के सोनी लिप की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्क्राउन ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा कही थी। मेहद ऐसा के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मोहई धिवाई दिखाई जाते हैं। मुख्य भूमिका में फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जन की अगली हिंदी फिल्म नरित वो 2020 के रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार के आगे की 2022 के उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखी गई उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टीमीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह संरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापत्तनम से हैदराबाद भेजते हैं और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदू से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते, रवि मधु से दोस्ती करते और दोनों के एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहता है जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसकी वजन उसके बहन राजी अखरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश की एक कॉल बताया था, मैं उसे फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकम ने उसके लिए पलने के राजा मणिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकम के रजुलू के योजना के मारे पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुसवाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक पेशा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के स्वामित्व वाले एक विद्यालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विद्यालय में बेच देती है। विद्यालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उसमे में है एक वो विषय रश्मि उससे दोस्ती करता। विषय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति होते से मिलता है, दो हिम्मत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल पेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठीपुरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाकों में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ो उसकी छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विद्यालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी कंडक्टर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति पूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है। और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी कलाई काट कर आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगलिए भाग जाते हैं। गुरुदान से खाना घटी कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ सहसर में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है, उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबावों के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृहों में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया न उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेजती है, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगी। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसल्स तीन के लॉस एंजल्स से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बबरेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा की। लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना के सुनानी है लॉस एंजल्स में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकलागत एवं लाइव कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसमृति घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी के दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के शब्द थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं के बतुलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा की सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का विशिष्ट शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कब मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत सस्टोपनिस के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद थी कि अग्निर्त रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेत से की जाती है। जेमेंटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के कबाड़ जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है, कुसुमा को जीवित है और पुचुचंडी के एक फ्रांसीसी परिवार के साथ रह रही है। पवारी योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबरलावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि जीते कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बेरहमी से ठुकरे गए एक गांव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित डॉन एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता है। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और धुंधु भड़काता है, जहां ये योगी और कुमाशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना जाता, हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह में पहले की पुलिस बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्म करने योजना बनाई थी और विशेष रूप से वेलकम और टूर यॉर्क निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंद के दिखाई देंगी जिसे अबीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा मिशन 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को क्राउन ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा की थी। मेहद के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मोहई धिवाई दिखाई जाते हैं मुख्य भूमिका में। फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जिनकी अगली हिंदी फिल्म अदिति 2020 की रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार की आगे की 2022 की उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टीमीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह संरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापट्टनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदु से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते। रवि मधु से दोस्ती करता है और दोनों के एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहता है जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसके बहन राजी अपहरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकक्कम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश को एक कॉल बताया था, मैं उसे सक्रिय फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकक्कम ने उसके लिए पहले कि राजा मणिकक्कम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकक्कम के रजजुलू के योजना के बारे पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुसवाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमें जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के समित वाले एक विश्वविद्यालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय में बेच देती है। विश्वविद्यालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उसमे में है एक वो विश्वरश्मि उससे दोस्ती करता। विश्वविद्यालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है, दो सहमत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठीपुरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाके में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ो उर्वश की छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विश्वविद्यालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति के एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी जनरेटर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति विवाहपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंततः सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है। और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपने लाइफ कार्ड का आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरदान से खाना रहते ही कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमान ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ सहर्ष में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमान और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है और उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबाव के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृह में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया ना उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेजती है, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगे। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसा 3 के लॉस एंजलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बब्रेज रानी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना की सुनानी के लॉस एंजलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो मुलाकात एवं लाइव कॉर्पोरेशन के फी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसमृति घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी के दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के शब्द थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं के बतूलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा की सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका की कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का विशिष्ट शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कम मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत उपनिष्ठ के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद अधिक के अग्निर्त रूप में प्यार की तुलना आम तौर पर संकेत से की जाती है। जमांटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के कबाल जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है, कुसुमा को जीवित है और पुचू चंडी के एक फंसासी परिवार के साथ रह रही है। पवारी योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबरलावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि द्वारा जीत कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बेहरमी से ठुकरे गए एक गव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित डॉन एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता है। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और धुंधू भड़काता है, जहां ये योगी और कुमोशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना जाता, हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह में पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्मकरण योजना बनाई थी और विशेष रूप से दोस्त वेलकम और टूरियर का निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंत के दिखाई देंगी जिसे अबीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा मिशन 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्क्राउन ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा कही थी। मेहद ऐसा के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मुंबई दिवाई दिखाई जाते हैं मुख्य भूमिका में। फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जिनकी अगली हिंदी फिल्म नरिति 2020 की रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार की आगे की 2022 को उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टी मीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह आरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापट्टनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नज़र पर एक गर्भवती की लड़की सदू से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते। रवि मधु से दोस्ती करता है और दोनों के एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहते हैं जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसके बहन राजी अकरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश की एक कॉल बताया था, मैं उसे सक्रिय फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकम ने उसके लिए पलने के राजा मणिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकम के राजा जुलू के योजना के मारे पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुसवाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के स्वामित्व वाले एक विद्यालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विद्यालय में बेच देती है। विद्यालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उस सदमे में है। एक वो विद्यालय उससे दोस्ती करता विद्यालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है दो हिम्मत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठी पूरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाके में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ा और उस किशोरी के बचाने के लिए फैजल के विद्यालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी कंडक्टर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति विवाहपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी कलाई काट कर आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरुदान से खाना रहती कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है, उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबाव के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृहों में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उसे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया न उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेज दिया, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगी। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसस तीन के लॉस एंजेलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद अंग्रेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना की सुनानी के लॉस एंजेलिस में तस्करी पर केंद्रित तो हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकलागत एवं लाइव कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसब्री घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी को दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के संबंध थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएं भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी में प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं के बतूलता के अपरिपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा के सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का विशिष्ट शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कब मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति के तौर पर नफरत के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद ठीक के अग्निता रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेत से की जाती है। जेमेंटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के कबाड़ जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है, कुसुमा को जीवित है और पुचुचंडी के एक फंसासी परिवार के साथ रह रही है। कवाली योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों की खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबरलावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि द्वारा जीते कम्बाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बहरमी से ठुकरे हुए एक गव के लिए मौत मारा जाता है। मित्रता शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित है एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और धुंधु भड़काता है, जहां ये योगी और कुमोशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली उदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना आ जाता, हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाए गए हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्मकरण योजना बनाई थी और विशेष रूप से दर्शक वेलकम और टूरियर का निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंत के दिखाई देंगी जिसे अबीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा मिशन 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्क्राउंड ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा की थी। मेहद ऐसा के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मवाई धिवाई दिखाई जाते हैं मुख्य भूमिका में। फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जिनकि अगली हिंदी फिल्म नरित वह 2020 के रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार के आगे की 2022 के उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टीमीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह आरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापत्तनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदु से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते, रवि मधु से दोस्ती करता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहता है जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसके बहन राजी अखरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश की एक कॉल बताया था, मैं उसे फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकम ने उसके लिए पहले कि राजा मणिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकम के रजुलू के योजना के बारे पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुसवाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए, में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के स्वामित्व वाले एक विश्वविद्यालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय में बेच देती है। विश्वविद्यालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उसमे में है एक वो विश्वरश्मि उससे दोस्ती करता। विश्वविद्यालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है, दो अहमत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठीपुरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाके में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ो उर्वश की छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विश्वविद्यालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी जनरेटर का हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति विवाहपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है। और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी लाइफ कार्ड का आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरुदान से खाना रहते ही कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं के साथ सहसर्ग में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है, उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबावों के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृहों में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया ना उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेजती है, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगे। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसस 3 के लॉस एंजलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बबरेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना की सुनाने के लॉस एंजलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकलागत एवं लाइव कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसमृति घृणा करती है जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी को दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषयों के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के शब्द थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं बतुलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा की सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का शब्द शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कम मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद अधिक के अनर्थ रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेत से की जाती है। सेमांटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के कवाली जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है और उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है, कुसुमा को जीवित है और पुजू चंडी के एक फंसासी परिवार के साथ रह रही है। पवारी योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबरलावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि जीते कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बेहरमी से ठुकरे गए एक गव के लिए मारा जाता है। निर्दयता शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित है डॉन एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता है। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और धुंधू भड़काता है, जहां ये योगी और कुमाशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना आ जाता है। हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह में पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्म करने योजना बनाई थी और विशेष रूप से दोस्त वेलकम और टूर यॉर्क निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंद के दिखाई देंगे जिसे वीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्क्राउंड ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा कही थी। मेहद के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मोहई धिवाई दिखाई जाते हैं। मुख्य भूमिका में फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जिनकी अगली हिंदी फिल्म अदिति 2020 के रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार की आगे की 2022 के उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टी मीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते हैं और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह रक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापट्टनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदु से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनानी की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते, रवि मधु से दोस्ती करते और दोनों के एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहता है, जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसके बहन राजी अपहरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश के एक कॉल बताया था, मैं उसे फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकम ने उसके लिए पहले कि राजा मणिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकम के रजजुलू के योजना के बारे में पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुस्वाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के समित वाले एक विश्वालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले असल में बेच देती है। विश्वालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उस धदमे में है। एक वो विश्वरश्मि उससे दोस्ती करता, विश्वालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है, दो हिम्मत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठी पूरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाकों में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। वो सोनिया और आशा नामक एक उर्वोस की छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विश्वालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति के एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी जनरेटर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति विभावखंतपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंतर सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है। और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी कलाई काट कर आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरदान से खाना घटने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमान ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया का अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं के साथ सहयोग में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमान और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है और उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रम में रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबाव के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृहों में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया ना उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेजती है, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगी। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसा 3 के लॉस एंजेलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बब्रेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना की सुनानी के लॉस एंजेलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो मुलाकात एवं लाइव कॉर्पोरेशन के भी साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसमृति घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी के दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के संदर्भ रखते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएं भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं के बतुलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा के सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका की कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का विशिष्ट शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कम मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद ठीक के अग्नर के रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेत से की जाती है। रोमांटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। टिली के गुंडों के कबाल जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है और उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है, कुसुमा को जीवित है और पुचू चंडी के एक फंसासी परिवार के साथ रह रही है। प्रभारी योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुबरलावर टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि द्वारा जीत कमाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बहरमी से ठुकरे गए एक गव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित डॉन एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता। उसके बाद कवाली मीरा को मार देता है और झुंडू भड़काता है, जहां ये योगी और कुमोशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना जाता, हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह में पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाए गए हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्मकरण योजना बनाई थी और विशेष रूप से दोस्त वेलकम और टूरियर का निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंद के दिखाई देंगे जिसे अबीर सेनगुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा मिशन 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्क्राउन ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा कही थी। मेहद ऐसा के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मवाई धिवाई दिखाई जाते हैं मुख्य भूमिका में। फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जिनकी अगली हिंदी फिल्म नरिथी 2020 की रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार की आगे की 2022 की उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टी मीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह संरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापत्तनम से हैदराबाद भेजते हैं और उसे अपने दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदू से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनानी की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते, रवि मधु से दोस्ती करता और दोनों के एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहते हैं जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसकी वजन उसके बहन राजी अखरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश की एक कॉल बताया था, मैं उसे सक्रिय फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकम ने उसके लिए पलने के राजा मणिकम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकम के रजुलू के योजना के मारे पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुस्वाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं, गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है। बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के स्वामित्व वाले एक विश्वालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विश्वालय में बेच देती है। विश्वालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उस धदमे में है। एक वो रश्मि उससे दोस्ती करता विश्वालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है, दो हिम्मत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठी पूरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाके में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ो उसकी छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विश्वालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी कंडक्टर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति खंतपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजेलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी कलाई काट कर आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगलियों में भाग जाते हैं। गुरुदान से खाना घटी कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं साथ में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है, उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटने और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबावों के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृहों में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उसे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया न उन्हें न लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेजती है, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगी। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर समीर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसल्स तीन के लॉस एंजलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बबरेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना की सुनानी लॉस एंजलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकलागत एवं लाइफ कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसब्री घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी को दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइफ लक्ष्यों के बीमार पर है। विषयों के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के संबंध थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएं भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं के बतुलता के अपैपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा के सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के पहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कब मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत उपन्यास के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद ठीक के अग्निर्त रूप में प्यार की तुलना आम तौर पर संकेत से की जाती है। जेमेंटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। फिल्ली के गुंडों के कबाड़ जब कवाली ठीक हो जाता है तो वो टोनी डी को फोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो उसका स्वीकार करने के लिए वापस आ रहा है।
कवाली को बचाता है, कुसुमा को जीवित है और पुजुचंडी के एक फंसासी परिवार के साथ रह रही है। पवारी योगी और अन्य लोग पुंडुचेरी के लिए रवाना होते हैं, जहां कई दिनों के खोज के बाद वे कुसुकुदा के फिर मिलते हैं। पुंडुचेरी के कवाली और उसके परिवार पर टोनी भेजे के गए थे हमला किया जाता है। हालांकि कवाली ने योगी जनता के लिए वो परिवार के जल्द ही कुंवर लावा टीम और जहां उन्हें बताया जाता है कि जीत कम्बाटूर में गंभीर रूप से घायल हो गया है। गैंग 43 में शामिल होने के इनकार कर देते हैं। उसके बाद गुंडे को एक बेहरमी से ठुकरे हुए एक गव के लिए मारा जाता है। नेतृत्व शुरू कर दिया जाता है। उसके कारण विरोध करने की हिम्मत करने वाली किसी भी गिरोह का खत्म कर दिया। ये सब सुनकर कवाली वीरा और टोनी को खत्म करने का फैसला करता है। वो और उसका गिरोह का प्रमाणित एवं ली के 100वें जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कवाली पुलिस को एक टीम देकर गुंड 43 गतिविधियों को नष्ट करने देता। उसके बाद कवाली वीरा को मार देता और धुंधु भड़काता है, जहां ये योगी और कुमोशन टोनी के गिरोह का नरसंहार करते हैं। आखिरकार कवाली ने टोनी को घर ले लिया और उसे मार दिया। कुछ महीने बाद कवाली मुदा कुमार और योगी फ्री लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेता है। फ्री लाइफ पत्रों में एक टाइगर नाम का एक युवा जो आक्रमण पर लापरवाह ना आ जाता। हालांकि तब तक जाता जिसमें ये समारोह में पूरे की पुलिस बात करते हुए दिखाए गए हैं। स्क्रीन काली हो जाती है और बंदूक की क्लिक की आवाज़ आती है। उसके बाद एक बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मूल रूप से मलेशिया में 50 दिनों के लंबे शेड्यूल की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने देश में शूटिंग के दिनों की खत्मकरण योजना बनाई थी और विशेष रूप से दर्शक वेलकम और टूरियर के निर्माण किया। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत हॉरर फिल्म महीने तुषा के साथ किया गया था, जबकि अगली बार फिल्म अनवंद के दिखाई देंगी जिसे अबीर सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने हमले एफ मेहता द्वारा मिशन 2020 के सोनी लिव की जीवनी ड्रामा वेब श्रृंखला के 2022 को स्काउंड ब्रोकर हृदय मेहता की सिंगा की थी। मेहद ऐसा के किरदार निभाने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। गांधी 2021 में हिंदी फिल्म मोहई धिवाई दिखाई जाते हैं। मुख्य भूमिका में फिल्म का मिश्रित समीक्षा मिली, जिनकी अगली हिंदी फिल्म अदिति 2020 की रिलीज हुई थी। गुजराती फिल्म बहमार की आगे की 2022 को उनकी अगली रिलीज थी। ये पुलिस द्वारा लिखे गए उद्देश्य हिंदी फिल्म उड़े बीघा जमीन में दिखाई देगी। जुलाई 2022 में निर्देशक हमले मोशन महात्मा गांधी पर एक मल्टी मीडिया जीवनी वेब श्रृंखला की घोषणा की। जीवनी प्रतीक गांधी प्रमुख थे। हालांकि पुलिस लाला को पकड़ लेते और उनके विरोध करता है और रवि द्वारा बस में कर लिया जाता है, जिससे लाला गलती से खुद को सीप पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान लड़खोर पर गिर पड़े जिसमें उनकी मौत हो गई। इस बीच चिट्टू इसे इकट्ठा करने के लिए इंडिया गार्ड में जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि इंडिया गार्ड जलकर राख हो जाता है और अपने भाई के कमरे में पैसे जल जाते हैं। बाद में बिट्टू को रवि को मारने का फैसला किया। मणिकक्कम गवाह संरक्षण के कार्यक्रम के तहत रवि विशाखापत्तनम से हैदराबाद भेजता है और उसे अपनी दोस्त डीआईजी सीताराम के पर पहुंच जाता है। एक दिन रवि की नजर पर एक गर्भवती की लड़की सदु से होती है, जो बिट्टू के योग ट्रेवल एजेंट मूर्ति के साथ काम करती है। ये बिट्टू की गिरोह का भारत में भगनाने की मदद करने के लिए निकल पड़ते, पासपोर्ट तैयार करते, रवि मधु से दोस्ती करता है और दोनों के एक दूसरे के प्यार में हो जाता है और दोनों बिट्टू के बारे में पता चलता है। बिट्टू राजा मणिकक्कम की काम पर बलात्कार उसे मार देता है और रवि के परिवार पर भी हमला करता है। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उन लोगों के लिए पैसे वापस लेने के लिए भी कहता है जिन्होंने अपने परिवार के दिन रात मेहनत की। रवि को पता चलता है कि उसकी भजन उसके बहन राजी अखरण कर लिया है और वो उसे राजा मणिकक्कम की हत्या के लिए फंसाया गया है। और जब उसने राजनेश के एक कॉल बताया था, मैं उसे उसका फोन बम था, लेकिन डीआईजी सीताराम की मदद से उसे छोड़ दिया जाता है। रवि को पता चलता है कि राजा मणिकक्कम ने उसके लिए पलने के राजा मणिकक्कम को उसके पास नाटक का, क्योंकि बिट्टू को राजा मणिकक्कम के राजा जुलू के योजना के मारे पता चला। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने डिंजन यार्ड में पैसे को नकली मुसवाद के बदल दिया था, जैसे उन्होंने जला दिया था ताकि बिट्टू को लगे कि रवि को पैसे जला दिए। में डूबे एक व्यक्ति को दो बेटियां हैं। गरीब किसान शिवा जो मुंबई में लगभग 1400 किलोमीटर दूर रहता है, बहनों के एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और एक दूसरे की रक्षा के लिए कभी भी हद तक जाने की तैयार रहती है। अमर नाम के एक गाँव का लड़का सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसने अपने बहनों के एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए उनके व्यक्तिगत मेल आईडी बनाने की मदद करता है। शिव जो एक स्थानीय जमींदार ठाला ठाकुर का रिची है, अपना
ऋण चुकाने के लिए प्रीति का एक बेचा अंजलि को बेचने के लिए हमेशा जाता है। सोनिया प्रीति को बिकने से बचाने पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रहता है। उस रात वो दादा ठाकुर से दुर्व्यवहार उपयोग करता है और वो उसे प्रीति से मिलने के लिए मुंबई भेज देते हैं। उसके बाद अंजलि सोनिया को प्रीति से मिलाने के लिए बहाने उसे मुंबई ले जाते हैं। अंजलि उसे फैजल उर्फ बाबू के समेत वाले एक विश्वविद्यालय की मैडम माधुरी के नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय में बेच देती है। विश्वविद्यालय के मोहित से सोनिया बहुत देरी हुई और उस धर्मे में है। एक वो विश्वरश्मि उससे दोस्ती करता विश्वविद्यालय से भागने की कोशिश कर रही सोनिया को फैजल के पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इस मित्रता के बाद फैजल सोनिया को प्रति से मिलता है, दो अहमत हो जाता है और जो एक नशीली दबाव के आदि हाई प्रोफाइल बेशा बन जाता है। प्रीति उससे में सोनिया को डांटती है और उसके पिता ने उसे बेचने के उससे बेच दिया और वो इससे ईर्ष्या करती है। इस बीच शिव दादा ठाकुर से सोनिया को वापस लौटाने के लिए भी करते हैं। अंजलि शिवा को कमाठीपुरा का पता चलाती है, उसे मुंबई ले जाती है। शिवा मुंबई में सभी रेड लाइफ इलाके में सोनिया को ढूंढता है। इस बीच मनीष नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया से के पास जाता है और उससे प्रीति के बारे में जानकारी लेता है। सोनिया और आशा नामक एक बुढ़ उर्वश की छोड़ी के बचाने के लिए फैजल के विश्वविद्यालय पर छापा मारता। हालांकि सोनिया ने जाने से इनकार कर दिया। जब रश्मि ने सोनिया पर प्रीति को बैल चुराने का आरोप लगाया तो उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, जो कि सोनिया के बासपति बची प्रीति की एकमात्र स्मृति चिन्ह है। फैजल ने माधुरी सोनिया और कई अन्य लड़कियों को एक गर्गी जनरेटर को हंगामा भेजा। माधुरी उस समय तक सोनिया के प्रति विवाहपूर्ण थी, स्नेहपूर्ण उनकी देखभाल कर लगी थी। अंत सोनिया का एक चीनी ग्राहक द्वारा बलात्कार किया जाता है। वो खुद को वर्जित साबित करने के लिए जबरदस्ती साइमन पुनर्निर्माण प्रक्रिया में गुजरते लड़कियों को फिर से लॉस एंजलिस भेज दिया जाता है, जहां एक अपेक्षाकृत मिलनसार ग्राहक सोनिया को ईमेल के माध्यम से अमर की संपर्क करने की अनुमति देता है। और उसके बाद वो पार्टी में माधुरी की अपनी लाइफ कार्ड का आत्महत्या कर ली। सोनिया अपने अकेले दूर जंगल में भाग जाते हैं। गुरदान से खाना रहते ही कोशिश कर रहे होते हैं। बेरहमी सोनिया को एक सामाजिक कार्यकर्ता सलमा ने बचाया। CAST नामक एक NGO चलाते हैं। सोनिया के अंतर्गत कई अन्य बचाई गई लड़कियों के और महिलाओं के साथ सहर्ष में मानसिक शांति मिली। एक दिन सलमा और मनीष के वीडियो कॉल से उसे प्रीति दोबारा मिलकर उसे आश्वस्त कर दिया। प्रीति हो माफ़ी मांगता है और उससे वापस लौटने का अनुरोध करता है। वो महीने बाद सोनिया उसे आश्रय गृह में लौटते हैं और जहाँ उसे आश्रमजन रूप से पता चलता है कि अपने नशीले दबावों के लत के कारण उसे के वापस चली गई है। सोनिया आश्रम गृह में एक नई आशा के अपना जीवन के फिर से शुरू किया। उसने माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे साथ जाने की इनकार कर देते। उसके पिता उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहा गया ना उन्हें लगे। वो अमर के साथ भी समझौता कर लिया। अंत में वो प्रीति को एक ईमेल भेजती है, उसमें कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे एक दिन जरूर देखेंगे। अगले दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की थी दुनिया के रूप में है ठाकुर रश्मि के फ्रीडा अंजलि के रूप में महारोमा एक अमेरिकी वापसी रूप में मार्क जुलसल्स तीन के लॉस एंजलिस से मानव तस्करी की गंभीरता के परिचित होने के बाद बबरेज सोनारी ने लव सोनिया बनाने की प्रेरणा के लव कुछ लड़कियों के चीन से एक शिपिंग कंटेनर के भाई के उसमें एक युवा भारतीय लड़की थी। एक घटना के सुनाने के लॉस एंजलिस में तस्करी पर केंद्रित हो जाती है और वो उसके लिए वो कुमकलागत एवं लाइव कॉर्पोरेशन के भी के साल के एक प्रोजेक्टर काम पर करते। ये फिल्म मूल रूप से ऐसे बेसमृति घृणा करती जिसमें घृणित प्रथाओं के एक लड़कियों के मानव तस्करी को दर्शाता गया जो मुंबई में ही लाइव लक्ष्यों के बीमार पर है। विषाओं के खुद को दर्शाते प्यार शब्द में कई तरह के शब्द थकते हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ करना कई भूमिकाएँ भी अलग अलग अवधारणा के व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंग्रेजी प्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। और एक उदाहरण प्रेम के लिए ग्रीक अवधारणाओं बतुलता के अपे हीरोज के फिल्म टॉर्च प्रेम की अवधारणा की सांस्कृतिक अंतर के कारण अपनी गर्भवती की भूमिका घोषित करना कठिन हो जाता है और वो कठिन प्रेमिका के कृति के या संसार के प्रहन का विषय के लेकिन ये आधारित करने के प्रेम क्या ये प्रेम का शब्द के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेम सकारात्मक भावना के जैसे कम मजबूत के एक सामान्य अधिकारी व्यक्ति का तौर पर नफरत के साथ तुलना की जाती है। उसके बाद अधिक के अग्निर्त रूप में प्यार की तुलना आमतौर पर संकेत से की जाती है। जेमेंटिक अर्थ के साथ एक पारंपरिक संबंधों के रूप में प्यार की तुलना कभी कभी दोस्ती से भी की जाती है। लिखे गुंडों के कबाड़ जब कबाड़